हुजूर फरमाने लगे रब से मोहब्बत करो कि वो तुम्हें नेमतें देता है, और मुझसे मोहब्बत करो कि मैं अल्लाह का महबूब हूँ, और मेरी औलाद से प्यार करो इसलिए कि वो मेरी औलाद है। एक दिन हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना हजरत फातिमा ज़हरा से फरमाया रात मैं तुम्हारे घर में आके क़याम करूंगा। तो हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा या रसूलल्लाह ये तो बड़े नसीब जाग गए, रात हुजूर घर तशरीफ ले गए। हमारे यहाँ जो आदमी थोड़ा सा भी किसी ओहदे पे चला जाता है वो बच्चों को टाइम नहीं देता, ना वो पसंद करता है, और हमारे देहातों में तो वैसे ही लोग समझते थे कि ये तोहीन है। यानी अपना बच्चा भी मोटरसाइकिल पे बिठा के अगर लेके गए ना उसे दुकान से कोई चीज खिलाने, तो लोग क्या कहेंगे, तुझे बच्चे खिलाने पड़ते। ये अजीबोगरीब हमने अपनी जिंदगी में माहौल बनाया। तो हुजूर ने फरमाया फातिमा मैं रात आपके घर में क़याम करूंगा। सैयदा ने कहा या रसूलल्लाह बिस्मिल्लाह ये तो कमाल हो गई। हुजूर ने रात वहां क़याम किया, इमाम हसन ने दूध मांगा। अच्छा, हदीस के रावी मौला अली शेरे खुदा हैं, कहते मैं चुप करके सो रहा था, मैंने साइड पे चादर ओढ़ी और मैं आराम कर रहा था। इमाम हसन ने दूध मांगा, सैयदा फातिमा उठने लगी तो फरमाया नहीं फातिमा आज मेरे साथ सोए हैं, दूध भी मैं ही पिलाऊंगा। हुजूर उठे, बकरी का दूध धोया, फिर उसे बर्तन में डाला। अभी हुजूर इमाम हसन को देने लगे थे कि इमाम हुसैन ने भी मांग लिया, तो हुजूर ने फरमाया नहीं भाई पहले हसन को मिलेगा। तो हजरत फातिमा रदी अल्लाह तआला ना अर्ज करने लगी या रसूलल्लाह लगता है हसन से ज्यादा प्यार है। फरमाया नहीं फातिमा प्यारे दोनों ही बड़े हैं, पर मांगा पहले हसन ने है ना, मांगा पहले हसन में। फिर हुजूर फरमाने लगे, हजरत अली फरमाते कहते हुजूर फरमाने लगे फातिमा तू भी मैं भी हसन भी हुसैन भी और ये जो सो रहा है। कहते मैंने तो चादर ओढ़ी हुई थी ना। फरमाया फातिमा मैं भी तू भी हसनैन भी और ये जो सो रहे हैं। फरमाया सारे मिल के जन्नत में दाखिल होंगे।